मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा रेलवे स्टेशन से एक 10 माह के मासूम बच्चे का अपहरण हो गया है, जिसकी खोजबीन ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट टेक कर रही है। इस बच्चे का अपहरण एक बुरखाधारी महिला ने 3 जनवरी रात करीब 10 बजे के दौरान किया, तभी से इस बच्चे की छानबीन की जा रही है। इस बच्चे का नाम सलमान अब्दुल खान है, उसकी उम्र 10 माह बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने इस मासूम बच्चे को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया है, मगर अब वहीं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे ने इस बच्चे को ढूंढ कर देने वाले को 25,000 रुपए देने का घोषणा किया। आप भी इस बच्चे को ढूंढने में मदद करें। अगर आपको कहीं भी ये बच्चा दिखता है तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करें। इस बच्चे की तलाश में आज ठाणे क्राइम ब्रांच के अबू तालिब दत्ता सरक किशोर भामरे ने इस बच्चे की तस्वीर पूरा स्टेशन पर ऑटो चालकों को दिया और इस मासूम बच्चे को ढूंढने में मदद की अपील की। बच्चे को इतवार के दिन रात 8 बजे से 8:30 के बीच में एक ऊंचे वाली औरत ने अपना जो टोप लगा हुआ है उसके बाजू से रोड के ऊपर से ये बच्चे ऊंचे में चुरा के ले गई है। ये बच्चे का जो मतलब उसके तरफ से 25,000 रुपये का इनाम रखा गया है। 25,000 रुपये का इनाम और लोग के पास से लेके जाने इसके फोटो आप निकाल दो, जो भी बच्चे का पसंद लेगा उसको इनाम मिलेगा। बड़ू हो के पास में आके बोलो, बड़ू अमर को बोलेगा। ये बच्चा किसी भी घर में बैठा हुआ रह सकता है, भीख मांगने के लिए लगा सकता है, किधर भी मिलेगा। बच्चों को ये फोटो ले लो और आप लेके साथ में लेके निकाल लो, फोटो निकाल लो, आपके हाथ में ले लो, आपको बता दें ये मासूम बच्चा सलमान बेहद ही गरीब परिवार से है, जो मुमरा रेलवे स्टेशन पर भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। जब से इस बच्चे का अपहरण हुआ है तब से इस बच्चे की माँ शाहू और पिता अब्दुल की तबीयत बेहद ही खराब बताई जा रही है। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस बच्चे को आप भी ढूंढने में मदद करें। अगर ये बच्चा आपको कहीं भी दिखाई देता है तो फौरन पुलिस को संपर्क करें। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।